हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर चेकिंग के एक नए मैकेनिज्म के बारे में। ठीक इसके पहले वाली वीडियोस में हमने ये देख लिया था कि सिंगल डायमेंशनल एरर चेकिंग क्या होता है और टू डायमेंशनल एरर चेकिंग क्या होता है, और इस वीडियो में हम देखने जो जा रहे हैं वो है हमारा चेकसम एरर चेकिंग मैकेनिज्म, कि चेकसम के जरिए हम कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी को भेजा था वो सक्सेसफुली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हम एरर चेकिंग के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस एरर चेकिंग में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एरर चेकिंग होता क्या एग्जैक्टली। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं, तो पॉइंट ए से बी तक जो है डेटा हमारा सही तरीके से पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसको हम चेक करते हैं, जिसके लिए हम एरर चेकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग और मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग कर लिया है, और इस बार जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है हमारा चेक सम का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली चेक का सम का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि इन दोनों के मुकाबले, यानी कि पहले के जो दो हमारे ऑप्शंस हैं, सिंगल पैरिटी एग्जाम में हालांकि सिंगल पैरिटी भी आता है और मल्टी पैरिटी भी आता है, बट ये चेक सम जो होता है वो सबसे फुल प्रूफ मेथड होता है चेक करने के लिए कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें कि चेकसम क्या होता है, तो द चेकसम टेक्निक इज यूज्ड टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, यानी डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हम चेकसम का यूज करते हैं एट द रिसीवर एंड, कहां पे, जहां पे वो डेटा पहुंचा है। यानी कि यहां से अगर ए सेंडर है और अगर बी जो है वो रिसीवर है, तो बी के एंड पे चेक किया जाता है कि डेटा जो है वो सही पहुंचा है या नहीं है। व्हेन डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जब डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है। इट इज द सम ऑफ डेटा बिट्स, यानी ये क्या है, सम है, किसका सम है, तो डेटा बिट्स का सम है कैलकुलेटेड फ्रॉम डिजिटल डेटा। आगे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि ये क्या होता है, डेटा बिट्स का सम क्या है, कैसे नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इट इज एन एरर चेकिंग मेथड, ये एक एरर चेकिंग मेथड है विच इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी, जो डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, देखिए डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डेटा आपका सही सलामत बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी एरर के सेंडर से रिसीवर के पास एज इट इज पहुंचा है बिना किसी डेटा लॉस के। ठीक है, बिफोर गोइंग अहेड, हमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा, वो क्या है कि हम ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ बुलियन, ठीक है, वैल्यूज, एडिशन ऑफ बुलियन वैल्यूज, ये हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एडिशन ऑफ बुलियन वैल्यूज क्या होती है। देखिए अगर आपने पहले से ही आप जानते हैं कि एडिशन ऑफ बुलियन वैल्यूज क्या है, इट्स वेल एंड गुड। मैं थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि देखिए हमें एडिशन को सीखना पड़ेगा, मतलब बुलियन वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं। तो बुलियन वैल्यूज कौन कौन से होते हैं, एक जीरो होता है और एक क्या होता है, वन होता है। तो एडिशन ऑफ बुलियन वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जानना है कि जीरो और वन को ऐड कैसे किया जाता है। तो जो रूल होता है वो रूल क्या होता है कि देखिए जीरो प्लस जीरो जो है वो हमेशा जीरो होता है, जीरो प्लस वन जो है वो हमेशा वन होता है, वन प्लस जीरो जो है वो हमेशा वन होता है, और वन प्लस वन जो है वो जीरो होता है विद कैरी वन, यानी कि कैरी जानते हैं ना आप, कैरी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम 36 और 32 को मान लीजिए, फिर से 36 को ही ऐड करें, तो 6 6 6 6 क्या हो गया, 12, कैरी वन हो गया। तो इस केस में क्या होता है, कैरी वन होता है। तो इसी चीज को हम कैरी कह रहे हैं कि जब हम वन और वन को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो आएगा किसके साथ, विद कैरी वन, यानी कि कैरी वन होगा। तो ये चार रूल आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको इस चेकसम कॉन्सेप्ट को क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि इनमें हम एडिशन के कॉन्सेप्ट को, बुलियन के एडिशन के कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर हम चेकसम, देखिए पहली चीज तो हम ये समझ गए कि चेकसम मतलब हम डेटा की इंटीग्रिटी को चेक कर रहे हैं कि डेटा जैसा हमने भेजा था बिल्कुल वैसा ही डेटा आगे रिसीवर के एंड पे मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है कि एट द सेंडर्स नोड, यानी कि सेंडर के नोड पे, यानी जहां से डेटा क्या किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है। तो सपोज कीजिए ये है मेरा सेंडर नोड, ठीक है, यानी ए से मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ डेटा को। तो द एट द सेंडर्स नोड द फॉलोइंग टास्क आर कंप्लीटेड, कौन कौन से टास्क कंप्लीट किए जाते हैं। तो जो हम प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे वो क्या है, सबसे पहला जो प्रोसेस वो यही है कि डिवाइड द डेटा इनटू इक्वल साइज सेगमेंट, यानी डेटा को हम इक्वल साइज, अगर 8 बिट का डेटा है तो हम मल्टीपल डेटा जो 8 बिट में के होंगे उनको एक साथ क्लब करेंगे। वेयर ईच सेगमेंट कंटेन्स एम नंबर ऑफ बिट, तो मैं इस एग्जाम्पल के लिए जो मैंने लिया है वो लिया है 8 बिट्स,
मतलब मैंने 8 बिट का एग्जांपल लिया है। सपोज जैसे मान लीजिए मेरे को ये डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना था, तो ये डेटा अगर मुझे भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो कैसे मैं इंश्योर करूंगा कि जो हमारा डेटा जो जा रहा है वो सही पहुंचा या नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। देखिए जो प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज कर लिया इस फॉर्मेट में, वेलन को डेटा अरेंज हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि एड ऑल द डेटा, यानी कि सारे डेटा को आपको एड करना है, एंड रैप अराउंड एक्स्ट्रा बिट्स, और एक्स्ट्रा बिट्स को रैप अराउंड करने हैं। रैप अराउंड का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे देखिए ये मेरा पहला डेटा है और ये मेरा दूसरा डेटा है ना, तो देखिए इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, करना तो सबको ऐड है लेकिन पहले इन दोनों को करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। कैसे? तो जब मैंने इसको ऐड किया तो देखिए 110 होता है विथ कैरी 1, राइट? तो 110 विथ कैरी 1, तो 110 01 फिर से 1 हो गया विथ कैरी 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1001 ही हो जाएगा, ठीक है? फिर 011 हो जाएगा, फिर 101 हो जाएगा, 110 विथ कैरी 1 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, और फिर 110 हो जाएगा विथ कैरी 1। तो देखिए ये होता है मेरा एक्स्ट्रा बिट। क्यों? क्योंकि हमें कितना निकल के आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट के अलावा एक्स्ट्रा ये 1 आ गया। तो इसी एक्स्ट्रा बिट की ये बात कर रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि रैप अराउंड एक्स्ट्रा बिट्स, यानी कि एक्स्ट्रा बिट जो निकल के आए हैं उसको रैप अराउंड कर दो, यानी दोबारा से उसको ऐड कर दो। तो इस 1 को हम यहाँ पे यहां ले आएंगे और यहां पे इसको फिर से ऐड कर देंगे। तो देखिए 011, बाकी सब तो बिल्कुल वही हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये जो है वो निकल के आ गया, राइट? अब जब मेरे पास ये आ गया तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया और एक्स्ट्रा बिट को रैप अराउंड कर लिया। तीसरा बिट हमारा ये है, इसको चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए 01011, तो 01011010 सेम डेटा, इसको अब आप ऐड करेंगे तो 101 और 0111 विद कैरी 1, तो 110, ठीक है, विथ कैरी 1, फिर 110011 विथ कैरी 1। तो ये आपको याद नहीं, ये आपको एडिशन पता होना चाहिए, ठीक है? फिर 110011 विथ कैरी 1, 1 और ये दोनों 0 है तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है? फिर 110 विथ कैरी 1 और फिर 1, ठीक है? तो ये कितने बिट्स हो गए? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें एक्स्ट्रा बिट्स नहीं आए तो रैप अराउंड नहीं होगा। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। तो इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आए, देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू 1101010 तो 1101010, इसको ऐड कीजिए तो देखिए 110, ठीक है, विथ कैरी 1, फिर 1 ये हो जाएगा 100, तो सिर्फ ये 1 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 01 हो जाएगा, फिर 101 हो जाएगा, ठीक है? फिर 110, फिर क्या हो जाएगा, 110 विद कैरी 1, फिर 11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा विद कैरी 1। तो ऐसे ही ऐड करते करते जब हम गए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये एडिशनल 1 आ गया, जिसको फिर हम रैप अराउंड यहाँ करेंगे, मतलब इस 1 को हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा ये आया तो 011 हो गया, बाकी 111 बाकी सब कुछ वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि यही दोनों जुड़ा सिर्फ, बाकी तो कुछ उड़ने के लिए है नहीं, तो डेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब जो ये फाइनली, मतलब जब सबको, देखो यही मेन लाइन है हमारा कि ऐड किया सारे डेटा को, एक दो, पहले 2 को, फिर जो एक्स्ट्रा बिट आया उसको रैप अराउंड किया यहाँ पे, फिर ऐड किया, इसमें कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आया, फिर ऐड किया, जो एक्स्ट्रा बिट आया उसको रैप अराउंड किया, और फाइनली हम क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू आया है निकल के, अब उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां जहां 1 था वहां वहां 0 कर देंगे, जहां जहां 0 था वहां वहां 1 कर देंगे। तो ये जो वैल्यू हमारी फाइनल कैलकुलेट होकर आई, इसी को हम कहते हैं क्या, चेक सम। ये वैल्यू हमने निकाल ली किसके एंड पे, सेंडर के, सेंडर नोड के एंड पे। तो हमारा चेकसम वैल्यू, कोई पूछेगा चेकसम वैल्यू क्या है, तो ये है हमारा चेकसम वैल्यू। अब क्या होता है, आपने यहां ए पॉइंट से भेजना था, ए पॉइंट से भेजते हुए आपने चेकसम निकाल लिया जो भी आपकी वैल्यू आई। अब जब ये डेटा पहुंच गया बी पे, यहां पे फिर से कंप्लीट वही प्रोसेसिंग की जाएगी, यहां पे बी पे भी चेकसम निकाला जाएगा बिल्कुल उसी प्रोसेस का यूज करके, जिस प्रोसेस का यूज करके आपने ए में क्या निकाला था, चेकसम निकाला था। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि एट द रिसीवर्स नोड, यानी कि रिसीवर नोड पे द फॉलोइंग टास्क आर कंप्लीटेड। कैसे, एड ऑल द डेटा, देखिए तो यही वो चीज है ना, सेम चीज है ना, एड ऑल द डेटा एंड रैप अराउंड एक्स्ट्रा बिट्स। तो यहां पे भी वही करेगा कि एड ऑल द डेटा एंड रैप अराउंड सेम, रैप अराउंड सेम एज सेंडर नोड, लिखा भी है मैंने बिल्कुल सेम एज सेंडर नोड, मतलब इन दोनों को ऐड कीजिए। देखिए इन दोनों को ऐड किया गया, एक्स्ट्रा बिट निकला, एक्स्ट्रा बिट को यहाँ पे फिर से क्या किया गया, ऐड किया गया। अब ये वैल्यू निकल के आ गई, अब ये तीसरी वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे ऐड किया गया, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं निकल के आया, तो फिर क्या हुआ, इसको ऐड किया गया। जब इसको ऐड किया गया तो एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे ये निकल के आया,
जब एक्स्ट्रा बिट इसको यहाँ पे लाके फिर से इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद ठीक है क्या करना है आपको, तो मतलब हमने जब इन सबको ऐड किया और रैप अराउंड करते चले गए, तो जो हमारा डेटा निकल के आया है एडिशन, फाइनल एडिशन, वो ये निकल के आया है। अब ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, तो जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारी जो हमने अभी तुरंत क्या निकाला था, चेकसम निकाला था, ये वाली वैल्यू है। अब इस चेकसम वाली वैल्यू को भी हम यहाँ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए तो बिल्कुल वही है ना, 0111 4 times 0, तो यहाँ क्या है 0111 और 4 times 0, ये वैल्यू हम ऐड कर देंगे जो हमारा यहाँ पे रिसीव होके, मतलब ये फाइनल आंसर जो आया है सेंडर नोड के पास, उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद फाइनली देखिए सब सारा सारा क्या आ गया, वन आ गया। क्यों? कि 101 101 101 101, ऐसे ही सब ऐड किया, वन आ गया, सारा का सारा वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। और अब जो भी वैल्यू हमें मिली है उसका हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट, और अगर सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स हमने जो डेटा भेजा था वो डेटा एज इट इज बी तक क्या हुआ है, पहुंचा है। तो अगर हम प्रिसाइज स्टेप्स, अगर मैं बोलूं बिल्कुल शॉर्ट में स्टेप्स बताओ, तो स्टेप में हम सबसे पहले ये बता सकते हैं कि पहले तो आपको सेंडर के एंड पे क्या करना है, सेंडर के एंड पे आपको चेकसम निकालना है। ठीक है, सेंडर एंड पे क्या निकालना है, चेकसम। तो चेकसम सेंडर के एंड पे कैसे निकलता है, तो करना क्या होता है आपको कि सबको ऐड तो करना ही होता है, ये तो करेंगे ही। जो फाइनल आंसर चेकसम निकलेगा उसमें हम कॉम्प्लीमेंट भी कर देते हैं सेंडर के बिहाफ पे, मतलब सेंडर के यहाँ पे, सेंडर के पोजीशन पे। लेकिन जब हम रिसीवर पे पहुंचते हैं तो बस हमको नॉर्मली इन सबको ऐड कर देना होता है, सबके सबको ऐड कर देना होता है, यानी कि ऐड एंड रैप अराउंड। ठीक है, कहाँ पे, सेंडर एंड पे। उसके बाद क्या करेंगे, चेकसम को, और जो ये एडिशन आया है चेकसम को ऐड करेंगे किसके साथ, जो एडिशन हमारा निकल के आया है उसको, और उसके बाद सबका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। अगर सबका सबके आया, सारा का सारा वैल्यू अगर 0 आया है, जो देखिए हमारे इस केस में सारा का सारा वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा डेटा जो है वो परफेक्टली ट्रांसमिट हुआ है। अगर कोई भी एक बिट गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो हम कहेंगे नहीं, हमारा डेटा जो है वो परफेक्टली ट्रांसमिट नहीं हुआ है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके चेकसम का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि डेटा भेजा ना, जो हमने भेजा है वो सही तरीके से गया है या नहीं गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।